ये मारा पड़ा केज इसके अंदर मुर्गी बैठी हुई, दूसरी ये स्लेटी इधर बैठी हुई है, ये देखे अभी फुल कुड़क है, ये देखे फुल कुड़क का मुर्गी अभी भी स्लेटी, दूसरी मुर्गी की तरफ जाते जो हमने बिठाई हुई है। दोस्तों कैसे हैं, उम्मीद है कल ठीक ठाक है, फिर से होंगे। आज हम अपनी स्लेटी मुर्गी को अंडों बिठाने लगे, 7 अंडे उतारे उसमें से 6 पर बिठाएंगे और उसकी आपके साथ सारी वीडियो शेयर करेंगे। आप देखें ऐसे गनी मुर्गी को सेवे बिठाना है और ऐसे का सेवे बिठाना है। फिर दोस्तों हम अपनी मुर्गी बिठाने लगे, यहाँ पर इधर कैमरा लगे मुर्गी की तरफ, ये देखें मुर्गी ईंट रख के बैठी हुई है, ये मुर्गी ईंट के नीचे रख के बैठी हुई है, इसको अभी बिठाएंगे इसी जगह पे। ये देखिए इधर फैदर के अंदर लाए कुड़ा दिखाए अंदर सारा, देखिए सारा नीचे रहे थे सारी, यहाँ पर बिठाएंगे, गर्मी बहुत है मगर ये ठंडा है। देखिए मुर्गे ने मुंह खुला हुआ है, ना मुर्गी ने मुंह खुला है। भाई बाहर धूप दिखाई कितनी, धूप बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 12 बजे का टाइम है, बहुत ज़्यादा धूप है। देख चुके से ज़्यादा मुँह खुला हुआ है, अंदर मिट्टी रखी हुई है ना, ये रेत और मिट्टी मिक्स की हुई है, अभी ये रेत और मिट्टी अच्छी तरह कर देंगे मिक्स, उसकी फिर मतलब कि सारे मिट्टी लगे, फिर अंडे रखे मुर्गी बिठाएंगे आपको। ये देखिए मुर्गी पर उठाते हैं इधर से, इधर से हम रेत खोदते हैं थोड़ी सी, देखिए इसे इधर थोड़ी सी खोदते हैं, ये थोड़ी खोद के अच्छी तरह से दो, एक जो अंडा ना दूसरा क्रैक वो उठा के ना, जैसे एक अंडा जो है वो है टूटा हुआ, ये शायद ये वाला है, शायद हाँ ये वाला, ये रहा, ये जब अंडा पर रख के चेक करेंगे मुर्गी को, इस जगह चेक करें इस जगह मुर्गी बैठ रही, बहुत अच्छी बात है।
रखने में। देखें पीछे हम थोड़ी मिट्टी और डाल लेते हैं। खराब है देखिए वो। ये थोड़े छोटे छोटे पत्थर डाल के बड़ा पत्थर रखते हैं, यूं की तरह रखते हैं। ये इधर ये रखते हैं। इसे हुआ क्या कि मतलब कि अंडे बाहर नहीं आएंगे, मुर्गी जाएगी तो अंडे बाहर नहीं आएंगे। जब इधर ये मुर्गी सेवे पे बिठानी तो ये मुर्गा किधर छोड़ना? मुर्गा मुस्ताफ को वापस दे आएंगे। वापस वापस पानी ठीक है क्या भरना? पानी पानी रहने दे। ये गिरा दिया सारा मुर्गे ने, मुर्गी ने तो गिरा दिया पानी। तो वापस रख दे, डाल दे थोड़ी थोड़ी के, जगह ज्यादा गिरी ना हो। इधर मैं लेके तो नीचे से ना, ये देखे कीड़े इधर आ गए। पाउडर डाला भी था कीड़े कहाँ से आ गए अंदर। उसके बाद आपने करना क्या है, ये पाउडर होता है कोपैक्स पाउडर, टाइगर पाउडर इसे कहते हैं। ये आपने ज़रूर जहाँ मुर्गी पर उसके साइड पे ज़रूर आपने डालना, ताकि जब बच्चे निकलने वाले हो ना, कोई कीड़े वगैरह कोई कीड़ा पतंगा ना इसकी तरफ आए जो कि अंडे अंदर से ख़राब कर देते हैं। ये आपने ऐसे करके डालना है। ये देखिए सारा सारा इधर हो जाए। ये आपने सारा डालना है ऐसे करके, साड़ी साड़ी पर डालना आपने, ताकि अंडे खराब ना हो, कीड़ा कीड़ा वगैरह ना आए। आराम से डालना सड़े जैसे हमने डाला है। नजर आ रहा है वीडियो में भाई? जी जी नजर आ रहा है। ये पाउडर आपने डालना, ये वाला सारा टाइगर, हाँ टाइगर पाउडर डालना आपने। ये मैंने इसके अंदर रखा हुआ है, मैं अभी लेके आता हूँ वाइट अंडा। वाइट अंडे के साथ फिर हम मुर्गी को बिठाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि ठीक ठाक है, अरे फिर से होंगे। ये अगली सुबह मतलब कि जो हमारी सिलेटी मुर्गी थी उसने उसे हमने दो तीन बार बैठाने की कोशिश की मगर वो नहीं बैठ रही थी, और उसकी वजह से हमें न्यू मुर्गी लानी पड़ी। अपने दोस्त की तरह से न्यू मुर्गी लेके आए हम, और उसको हमने बिठाया है। सिलेटी मुर्गी को नहीं बिठाया, सिलेटी को दोबारा हमने अपने मुर्गे के साथ छोड़ दिया है, और दूसरी मुर्गी को हमने बिठाया, वो आपको दिखाते हैं अभी। और सिलेटी दिखाते हैं, सिलेटी हमने इधर छोड़ी होगी, वो भी आपको दिखाते हैं। ये दोस्तों हमने मुर्गी बिठाई हुई अंडों पर, ये मुर्गी हमने बिठाई हुई अंडों पे, ये दोस्त की तरफ से लेके आया था। ये मुर्गी हमने अंडों पे बिठाई है, स्लेटी हमारी बैठी नहीं है। देखो वही केज है, हम स्लेटी हमने इधर बिठाने की कोशिश की थी, स्लेटी नहीं बैठी, इसलिए हमने ये वाली मुर्गी बिठा दी ब्लैक वाली। ये देखिए हमने नौ अंडे दो अंडे अपने दोस्त की तरफ से लेके आए हैं, और बकाया सात अंडे स्लेटी के थे। ये देखें देखो फुल घोड़ा का ये बैठी हुई अंडों पर, बहुत हो गया आगे से मारती भी है। ये हमने अंडों पर बिठाई हुई है मुर्गी, ये स्लेटी, ये है स्लेटी छोटी मुर्गी। स्लेटी इस वजह से नहीं बैठी, उसका वेट काफ़ी ज़्यादा था, और वो मतलब कि दो तीन उसने हमारे अंडे भी जाया किए। वो बैठने जब बैठती थी ना अंडे, वो तोड़ दी, उसकी वजन ज़्यादा, उसकी टांग के नीचे का अंडा टूट जाता, इसलिए मतलब वो नहीं हमने बिठाई। ये हम अपने दोस्त की तरफ से लेके आए, ये हमने बिठा दिए, वो नहीं बिठाई, स्लेटी नहीं बिठाई। स्लेटी उधर दूसरे केज में आपको दिखाई पहले, और मुर्गा हमारा बाहर है, चूते भी बाहर है। केज ये स्टोर सामान वगैरह रखा हुआ है हमने। ये मुर्गी इधर कुड़ों को ही बैठी है, दूसरे कुड़े देखो कि इधर मुर्गी कुड़ों को ही बैठी है। इसको मुर्गी के साथ छोड़ा हुआ, मुर्गा बाहर चला गया, मुर्गी हमारी स्लेटी इधर बैठी है। देखो इधर बैठी हुई स्लेटी मुर्गी, बाहर जाके मुर्गा आपको मुर्गा भी दिखाते हैं, चूजे भी अपने दिखाते हैं। ये दो चोर बंदे आए हमारे मुर्गे चोरी करने, ये चूजे छोड़े हुए बाहर, ये चूजे बाहर छोड़े हुए हैं। चूजे सारे बाहर हैं, ये मुर्गा बड़ा पट्टी में खेल रहा बाहर, मुर्गी ऊपर से लेटी, दूसरी मुर्गी सेवे बैठी है। तेज मुर्गी बैठी, मुर्गी है बच्चों वाली, बच्चों वाली मुर्गी, तो एक चूजा उधर बकाया इधर है, और ये मुर्गा बैठा बड़ा। ये जी हैदर भाई पहुंच आए, हैदर भाई सोए हुए थे। ये हैदर भाई ने अपनी मुर्गी पकड़ी हुई है स्लेटी। हैदर भाई मुर्गी आपकी कैसी है स्लेटी? थोड़ा भी कोई थोड़ा इसके जैसी नहीं हो सकती, मैं गारंटी से कह सकता।
हैदर भाई की मुर्गी, हमने अंडे रखे हुए अपनी मुर्गी के नीचे। इसको इस वजह से नहीं सेवे बिठाए, इसका वजन ज्यादा ही अंडे तोड़ देती है। और ये मुर्गी बहुत अच्छी जाया होने का खतरा है, इसलिए नहीं बिठाए इसको। और दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। हमारी वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।